गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.10। सम सभी हो गए थे, दो एमसीक्यू बाकी थे, पर एमसीक्यू सम से कम नहीं है, लेंदी ही है। ओके, इसीलिए लास्ट टाइम नहीं हो पाए थे, आज खत्म कर देते हैं और साथ ही साथ नई एक्सरसाइज भी देखते हैं। तो देखिएगा थोड़ा बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सम नंबर 9, क्वेश्चन है 1/3 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब आई इज इक्वल टू 1/3 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब के पावर में 1/3 और नीचे एक्स रेज टू 4 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू ढूंढनी है, क्या ढूंढना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई वैल्यू ढूंढो। तो ऑप्शन पे नहीं जाना है क्योंकि ऑप्शन तो ऑलरेडी है ही हमारे 6, 0, 3, 4 पर, हमें पूरा कैलकुलेशन करना है तो उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। चलो थोड़ा सेटअप बनाते हैं बेटा कि भाई इंटीग्रेशन 1/3 से 1 ये एक्स और एक्स क्यूब है, तो उसमें से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालूं। क्यों एक्स क्यूब? क्योंकि बाहर पावर में 1/3 है, तो एक्स क्यूब कॉमन निकालूंगा तो 1/3 है तो निकलेगा एक्स ही। एक्स क्यूब इंटू 1/3 करोगे तो कैंसल हो जाए, जैसे कोई रूट है और रूट के अंदर से 9 कॉमन निकालो तो बाहर 3 ही निकलता है क्योंकि अंडर रूट के बाद, तो 1/3 तो अंडर रूट 3 है, तो एक्स क्यूब निकालोगे तो निकलेगा क्या एक्स। था यहाँ पे एक्स और मैंने एक्स क्यूब निकाला तो एक्स स्क्वेयर नीचे पड़ा रहेगा, एक्स क्यूब था और एक्स क्यूब निकाल दिया तो 1 बचा और नीचे एक्स रेज टू 4 है। ओके, उसमें कुछ नहीं, एक्स और ये कैंसिल होके 3, 1/3 से लेके 1 क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 पावर में 1/3 नीचे एक्स क्यूब। बोलो कंप्लीट। ओके, ये हमारे पास अभी क्वेश्चन में बचा। तो देखिएगा कि भाई ऊपर 1/x² - 1 इज इक्वल टू टी ले लूँ तो थोड़ा सजाऊ उसको, ऊपर लेके जाओ तो x की माइनस टू 1 इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, x का dx, 1 का 0 और t का dt, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू के नीचे एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस टू तो नहीं चाहिए पर नीचे एक्स क्यूब चाहिए है, डी एक्स चाहिए वो भी है, तो माइनस टू जाने दो तो ऐसा हो जाएगा 1/x³ इंटू डी एक्स, ये माइनस टू नीचे जाएगा तो माइनस बाहर ले लेते हैं डी टी बाई टू। क्लियर? चलो डालो सभी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके बराबर टी लिया है तो टी के पावर में 1/3 और 1/x³ इंटू डी एक्स के बराबर माइनस डी टी बाई टू। क्लियर? चलो और लिमिट सॉरी चेंज करना रह गया क्योंकि जब सपोज करेंगे तो लिमिट चेंज होगी, पहले टी इज इक्वल टू क्या है 1/3 तो यहाँ पे। ओके चलो सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1/3, चलो एक्स इज इक्वल टू 1/3 है तो इसमें डालेंगे। ओके, जब एक्स इज इक्वल टू 1/3 डालेंगे तो हमको टी मिलेगा, क्या मिलेगा, टी मिलेगा जो हमने सपोज किया है 1/x² - 1। चलो तो डालो तो टी इज इक्वल टू 1/x² तो 1/9 माइनस 1, 9 ऊपर तो 9 - 1 = 8, जब एक्स 1/3 तो टी 8। दूसरा क्या है 1 है तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो वो डालो टी इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 तो 1/1² - 1 तो 1 - 1 = 0, तो दो वैल्यूएशन भी चेंज हो गई, तो 1/3 की जगह पे 8 और 1 की जगह पे 0 आया। चलो माइनस बाहर ला दो, 2 भी बाहर ला दो तो -1/2 बाहर, लिमिट आ गई 8 से लेके 0। ओके, और आया टी के पावर में 1/3 इंटू डी टी। अकॉर्डिंग टू दी रूल्स इंटीग्रेशन क्या है, पावर एक बढ़ेगी, टी की 1/3 पावर में प्लस 1 करोगे तो 4/3 पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4/3, तो पावर एक बढ़ेगी
बढ़ी हुई पावर नीचे एड से लेके जीरो। चलो माइनस वन बाई टू था, ये फोर बाई थ्री भी बाहर आया और टी के पावर में फोर बाई थ्री एड से लेके जीरो। टू जा टू, थ्री ऊपर चला जाएगा, नीचे टू बचेगा। चलो इधर टी की जगह पे जीरो डालो तो जीरो, फिर माइनस टी की जगह पे एट पावर में फोर बाई थ्री। क्लियर? तो माइनस थ्री बाई टू, जीरो तो जीरो रहेगा, ये अगेन माइनस, एट का अंडर रूट थ्री, नीचे वाले का पहले यूटिलाइज आता है तो एट का अंडर रूट थ्री टू हो जाएगा। ओके, तो टू और टू की फोर पावर तो सिक्सटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्सटीन। चलो टू से कैंसिल करोगे तो एट माइनस माइनस प्लस एट जा थ्री ट्वेंटी फोर। क्या आ जाएगा? एट जा थ्री ट्वेंटी फोर। चलो एक मिनट एक मिनट, टू की फोर पावर एट नहीं सिक्सटीन होगा। हाँ एट का अंडर रूट थ्री टू, टू की फोर पावर है तो सिक्सटीन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? सिक्सटीन हो जाएगा, कि सिक्सटीन ही हमने लिखा था। ओके चलो टू से कैंसिल करोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, तो टू से कैंसिल करोगे तो एट, तो एट जा थ्री ट्वेंटी फोर। देखो तो कोई मिस्टेक बाय डिफॉल्ट अगर आंसर आएगा एट, कुछ रह नहीं गया है ना लिखने का। ओके थ्री बाय फोर, पावर एक बढ़ेगी तो वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री एल सी एम फोर बाई थ्री। ओके दिया हुआ है वन बाई थ्री पावर में, तो एक्सप्लेनेशन में पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, फोर बाई थ्री नीचे है तो ये नीचे आया, ऊपर वन बाई टू तो था। यस मिस्टेक मिल गई, ये तो सही है, यहाँ पे लोचे हमने किए थोड़े। लोचे ये है माइनस वन बाई टू और नीचे से ये फोर आया तो फोर रहेगा और थ्री ऊपर जाएगा, समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई एट हो जाता है, तो माइनस थ्री बाई एट और अभी ये सिक्सटीन के साथ कैंसिल हो जाएगा तो टू एंड थ्री जा टू सिक्स, क्योंकि हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को ही कैंसिल कर दिया, ये फोर और टू नीचे ही है तो मिल जाएंगे, मैंने क्या टू और फोर कैंसिल कर दिया, तो वो गलती थी। ओके आंसर आ रहा है सिक्स। क्लियर? चलो इसी के साथ बेटा सम नंबर नाइन खत्म। सम नंबर टेन भी थोड़ा अलग है, क्या है देखते हैं। सम नंबर टेन में आई इज इक्वल टू, आई नहीं दिया है शायद कुछ अलग है, यस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स टी साइन टी इंटू डी टी, देन आपको बोला है एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक, ये ढूंढना है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है लिमिट के साथ। ओके तो किस तरह का, देन डेरिवेशन ढूंढना है। चलो टी एंड साइन टी तो दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन रूल्स अप्लाई करो, पहले इंटीग्रेशन खत्म करो तब नेचुरली एफ ऑफ एक्स मिले। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल्स, पहला पड़ा रहेगा साइन टी का क्या, तो माइनस कॉस टी, बीच में कंपलसरी माइनस, पहले का डेरिवेशन वन, साइन टी का अगेन माइनस कॉस टी इंटू डी टी, बाहर लिमिट तो है जीरो से लेके एक्स। चलो थोड़ा एक्सप्लेनेशन, माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस और कॉस टी का क्या साइन टी, लिमिट जीरो से लेके एक्स, डालो दोनों की वैल्यू। चलो तो क्या हो जाएगा, पहले सभी जगह पे एक्स, तो एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब सब जगह पे जीरो तो टी जीरो तो पूरा जीरो, साइन जीरो तो जीरो, तो जीरो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। किसके बराबर आया? एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, उसका डेरिवेशन मांगा है तो एफ डेस है, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल्स माइनस बाहर रखो, पहला पड़ा रहेगा, दूसरे का डेरिवेशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पड़ा रहेगा, डेरिवेशन कर रहे हैं अभी, और एक्स का वन
और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ब्रैकेट तोड़ दो तो एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल इजी, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए इस तरह के सम है। अगेन दो सम देखें, नंबर 9 बिल्कुल हमको कॉमन निकालना था, फिर सपोज किया, वैल्यू डाली, बात खत्म। दूसरा नंबर 10 तो हमको इंट्रीगेशन दिया था, पहले इंट्रीगेशन किया बेटा, वैल्यू डाली तो x के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद डेरिवेशन मांगा था तो डेरिवेशन डाला। ओके चलो आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 7.11 के ऊपर कुछ इक्वेशन है स्टार्टिंग में। इक्वेशन के बाद थोड़ा धीरे धीरे मतलब कि आगे बढ़ेंगे। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन यहां से। इक्वेशन नंबर 1 मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस सेट करके आपको लिखवाता हूं। इक्वेशन में ऐसा है नंबर 7.11 एक्सरसाइज में कि भी शायद आपको लिमिट ऐसी दी हो a टू b और फंक्शन आपका f ऑफ x हो, लिमिट क्या दी हो a टू b, फंक्शन आपका f ऑफ x हो, तो अगर मैं लिमिट को उल्टा कर दूं ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो फंक्शन तो f ऑफ x रहेगा पर आगे माइनस आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर बना दो, लोअर लिमिट अपर बना दो, तो आपको सेम थिंग रहेगी पर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर फाइव आता है तो माइनस फाइव हो जाता है, और माइनस फाइव आता है तो प्लस फाइव हो जाता है। इक्वेशन नंबर 1 ये रूल्स है सब, इक्वेशन तो नहीं बोल सकते पर अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ये अप्लाई करने हैं सब। चलो दूसरा, कभी कभार ऐसा होता है, ये तो अननोन है तो ज़्यादा आइडिया नहीं आएगा, कि भाई लिमिट ए टू सी एफ ओफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो एस पर दी रूल्स उसको दो टुकड़े कर सकते हैं, कि भाई पहले ए टू बी जाओ, फंक्शन वही का वही, फिर वही बी से स्टार्ट करो और सी तक जाओ, बात हो गई। एज लाइक अगर मैं 0 से लेकर 10 तक बोलूँ तो मैं पहला हिस्सा लूँ 0 से 5, फिर 5 से 10, तो अल्टीमेटली काम मैंने 10 तक ही किया है पर दो हिस्सों में बांट के किया है। ओके बोलो समझ में आ रहा है? तो वो भी चीज़ मतलब कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ नंबर 2 में। ओके थोड़ी स्पेस रख के कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर 3 0 टू a f ऑफ x a इंटू डी है, लिमिट में ऐसा एक 0 दिया हुआ और a दिया हुआ है, तो आप एक चीज़ इसमें अप्लाई कर सकते हो, थियोरम ऐसा है कि भाई लिमिट वही की वही 0 टू a, पर फंक्शन जो x है उसकी जगह पे दोनों लिमिट का सम करो, तो 0 प्लस a का सम क्या a, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस x इंटू डी एक्स। लिमिट का सम करके माइनस करना है किसी भी वैल्यू के लिए तो कर सकते हैं। ओके अगेन तीसरा क्या है कि भाई 0 से लेके a है तो दोनों का सम करो, 0 प्लस a ही होने वाला है, तो दोनों लिमिट का सम a माइनस x करके काम कर सकते हो। सेम थिंग दूसरा समझाऊं कि अगर a टू b हो, चलो तो a टू b में दोनों लिमिट का सम क्या हुआ, a प्लस b हुआ ना, तो आप पूरा लिखो a प्लस b में से x माइनस करो, तो जो भी दो लिमिट हो, 2 और 3 हो तो 2 प्लस 3 तो 5 माइनस एक्स, 6 प्लस 8 तो 8 प्लस 6 14 माइनस है, ऐसे दोनों लिमिट का सम करके माइनस कर सकते हो। क्लियर? तो इसमें ओनली a सम होता था तो a में से माइनस किया, इसमें a भी सम होता है तो a भी में से माइनस किया। क्लियर? नंबर 5, चलो क्या है नंबर 5, तो दोनों सम वाली मैटर हमने क्लोज की, उसकी जैसा एक और भी इक्वेशन है 0 से लेके 2a f ऑफ x, 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी ए। चलो तो उसमें दो हिस्से बांटे हैं पर किस तरह से, देखिएगा जरा कि भाई अगर दुगनी लिमिट है 2a तो पहले 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, तो थोड़ा हिस्सा आ गया 0 से, अगेन 0 से लेके a तो a प्लस ए 2a हो गया, बट उस टाइम 2a में से माइनस किया x को, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी ए, ये वाला इक्वेशन आता नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको समझा दूँ क्या है कि भाई 0 से 2a तो उसको दो हिस्सों में बांटा, 0 से a, 0 से a, पहली बार फंक्शन खुद रखा, दूसरी बार दोनों लिमिट का सम वाला वही 0 प्लस 2a तो 2a माइनस x, पर 0 से लेके a, 0 से लेके a ऐसे दो टुकड़े किए। ओके चलो इवन ऑड की बात करते हैं नंबर 6 में।
ऐसा दिया है आपको कि भी माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या दिया हुआ है माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ, क्वेश्चन सेम एक बार इवन के लिए बाद दूसरा ऑड के लिए। फॉर इवन, अगर तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो, इवन हो, फंक्शन, हाँ फंक्शन इवन हो तो आगे टू आ जाएगा, माइनस वाली लिमिट की जगह जीरो और ऊपर ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, कब, जब फंक्शन क्या हो, इवन हो। ओके, और इसका आंसर सीधा जीरो, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कब, जब फंक्शन तुम्हारा ऑड हो, क्या हो, फंक्शन तुम्हारा ऑड हो। अगेन ओके, इवन ऑड सिचुएशन किसमें देखनी है, तो फंक्शन में, इसमें। ओके, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, दोनों लिमिट सेम, एक पॉजिटिव होनी चाहिए दूसरी नेगेटिव होनी चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हो। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन एज लाइक एक्स स्क्वेयर, एक्स रेस टू फोर, ओके कॉस एक्स खुद इवन है, सेक एक्स इवन है, ऐसी सिचुएशन है तो आगे टू लिख के माइनस वाली लिमिट जीरो बन जाएगी, मतलब टू टाइम्स हो जाएगा, पर माइनस से पॉजिटिव था उसकी जगह जीरो से पॉजिटिव आ जाएगा, और फंक्शन खुद ये इवन हो तब। पर जब ये फंक्शन ऑड आए, जैसे एक्स की तीन पावर, एक्स की फाइव पावर, साइन एक्स, दैट मीन्स अब ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन में सीधा जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा जीरो। बोलो समझ में आया, टोटल छः थ्योरम है और छः के छः थ्योरम मैंने आपको समझाए और उसके हिसाब से एग्जाम्पल में हम ट्राई कर सकते हैं। बोलो समझ में आया अच्छे से, अगेन एक बार दिखा देता हूँ। नंबर वन बिल्कुल सिंपल, लिमिट का इंटरचेंज तो आगे माइनस। नंबर टू, लिमिट को दो हिस्सों में बांटना है, जीरो से लेके टेन हो तो जीरो से फाइव प्लस फाइव से टेन, सिंपल। दोनों लिमिट का सम माइनस फंक्शन वाले एक दो तीन है, और लास्ट वाला है वो इवन ऑड वाला है। ओके चलो थोड़ा भी आगे और भी करना है तो जस्ट टू सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा सिलेबस ज़्यादा कवर हो। चलो रफ कर रहा हूँ बेटा, चलो सिंपल है। पहला जो सम है उसी पैटर्न से, काफ़ी सारे सम है, स्टार्टिंग के छः सात सम उसी पैटर्न के हैं। 1 to 19 में आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। चलो नंबर वन, जीरो से लेके पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एक्सरसाइज 7.11। जीरो से लेके पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आई। चलो क्वेश्चन खुद इक्वेशन नंबर वन, क्वेश्चन खुद क्या है, इक्वेशन नंबर वन। आगे बढ़ते बेटा, तो वही थ्योरम नंबर थ्री, दोनों लिमिट का सम माइनस करते थे ना, वो अप्लाई करना है। आपको याद रखना पड़ेगा लिमिट वही के वही रहती है, कॉस स्क्वेयर एक्स में से दोनों लिमिट का सम तो पाई बाई टू माइनस एक्स, याद आया ना अभी, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया तो अभी पता चलेगा, पाई बाय टू माइनस एक्स तो विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय टू माइनस एक्स तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, अगर माइनस होता तो अभी स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा। ओके, और पाई बाय टू है तो फंक्शन चेंज, कॉस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, पता है ना, ये नंबर टू, ये भी आई के बराबर है। नाउ इक्वेशन नंबर वन प्लस टू, दोनों का क्या करो, सम करो। चलो वन में लेफ्ट हैंड साइड आई, टू में भी आई तो आई प्लस आई टू आई, वन में था जीरो से लेके पाई बाई टू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, टू में था जीरो से लेके पाई बाई टू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। चलो दोनों लिमिट सेम तो कॉमन निकल जाए,
दोनों का फंक्शन अलग अलग है तो लिखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में डी एक्स तो कॉमन डी एक्स लिख दो। पता चला ना, कुछ कॉमन निकला, पर इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में कॉमन लिखा। लिमिट सेम तो वन टाइम्स लिखी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन सम लिखा, और दोनों डी एक्स तो मर्ज कर दी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन, तो जीरो से लेके पाई बाई टू आपको वन का ही इंटीग्रेशन करना है, तो वन का क्या होगा एक्स, लिमिट है जीरो से लेके पाई बाई टू। चलो रखो एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। पर बट ये आंसर टू आई के बराबर आया ना बेटा, मेरे को क्या चाहिए आई के बराबर, तो टू नीचे जाएगा, तो आंसर इज दैट पाई बाई फोर। ओके, ये फिक्स है, ऐसे सम में आंसर क्या आएगा, पाई बाय फोर ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर फोर, सभी में फिक्स आंसर पाई बाय फोर ही आएगा, कोई चेंज हो सकता नहीं है, पैटर्न ही फिक्स है। क्लियर, जैसे नंबर टू सिखा रहा हूँ, चलो देखो उसी टाइप का, ये बिल्कुल सिंपल था, अब थोड़े स्टेप बढ़ा दिए हैं, पर मतलब वही का वही, जीरो से लेकर लिमिट भी वही होगी, जीरो से पाई बाय टू हो तभी ऐसा होता है, और क्रॉस इक्वेशन होने चाहिए जैसे कॉस साइन ऐसे, तो जीरो से पाई बाय टू। ओके चलो, आपको दिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू, ऊपर साइन एक्स, नीचे अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो इज दैट क्लियर, ये दिया हुआ है, जो है क्वेश्चन उसी को पहले वन बोल दो। चलो उसके बाद क्या करते थे आप, आई स्टार्ट करो जीरो से लेके पाई बाय टू वैल्यू रखना, तो ऐसा आएगा साइन दोनों का सम पाई बाय टू माइनस एक्स, नीचे अगेन साइन दोनों का सम दैट मीन्स पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स और इनटू डी। इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो फंक्शन चेंज पाई बाय टू माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड थिंग पाई बाय टू है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का कॉस एक्स, नीचे सेम साइन का कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर टू। अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, वन प्लस टू तो आई प्लस आई टू आई। ओके चलो पहली बार अभी भी लिखता हूँ, पहला क्या था जीरो से पाई बाय टू, उसमें था साइन एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेम थिंग नंबर टू में, देख देख के कॉपी करना है, कुछ नया है नहीं, तो दूसरे में दिया हुआ है पहले कॉस एक्स है बेटा, क्या है कॉस एक्स, तो लिखो जीरो से पाई बाय टू, ऊपर कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, चलो इंटू डी एक्स हो गई दोनों मैटर। नाउ क्या करते देखिएगा, थोड़ा डायरेक्ट, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम तो सेम है, ठीक है चलो एलसीएम ले लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके पास पूरा है तो ओनली ऊपर का अपना साइन एक्स ही आएगा, इसके पास पूरा है तो अपना कॉस एक्स ही आएगा इंटू डी एक्स, दोनों कैंसिल, हर बार ऐसा होगा दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जीरो से लेके पाई बाय टू में हमें वन का ही इंटीग्रेशन करना है, वन का इंटीग्रेशन एक्स है, लिमिट जीरो से पाई बाय टू ही होगी हर बार। ओके और किसके बराबर बात है, टू आई के बराबर, चलो एक्स है वैल्यू डालो तो पाई बाय टू माइनस जीरो तो पाई बाय टू, और टू नीचे आएगा तो आई इज इक्वल टू पाई बाय फोर, बात खत्म। हर बार वही चीज, हर बार वही सिचुएशन, आया समझ में, क्लियर। ओके चलो सेम थिंग नंबर थ्री बेटा, आपको होमवर्क में करना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट तो वही रहेगी जीरो से लेके पाई बाय टू, साइन की कितनी पावर है थ्री बाय टू, एक्स नीचे साइन की थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस की थ्री बाय टू एक्स इंटू डी एक्स। नंबर फोर समझा देता हूँ बाद में, जीरो से लेके पाई बाय टू वही मैटर, कॉस की पावर में फाइव एक्स, नीचे साइन की पावर में फाइव एक्स प्लस
कॉस की पावर में 5x इंटू डी। पावर मैटर नहीं करती है, क्योंकि पावर कितनी भी, यहाँ तक पावर का कुछ मीनिंग रहा, स्क्वायर नहीं होता तो भी प्लस आने वाला था, फंक्शन तो चेंज करना ही है, इधर अंडर रूट था तो भी जो चेंज होना था हो गया, सेम थिंग। ये देखो, ये नंबर वन, साइन का कॉस और कॉस का साइन, आगे सिचुएशन इसके जैसी, दोनों का सम करोगे एलसीएम लोगे, कैंसिल वन आएगा और आंसर पाई बाई फोर। सेम थिंग, पाई पावर है, कॉस का साइन, कॉस साइन, फिर वही कैंसिल वन आएगा, जीरो से पाई बाई टू, आंसर पाई बाई फोर, दोनों में आंसर पाई बाई फोर। तो वन से लेके फोर तक बेटा सिंगल सम चेंज नहीं है, सभी का आंसर पाई बाई फोर है। मेथड इस टाइप की है, लिमिट ही ऐसी है। ओके, तो चार तक मैं मानता हूँ, तब तक तीन और चार आप होमवर्क में करके फोर तक ख़त्म कर सकते हो। ओके, तो लास्ट के दो देखे, इक्वेशन देखे बहुत सारे, छः और चार सम भी देख लिए। ओके, तो जितना ज़्यादा कवर हो उतना अच्छा है। नंबर फाइव से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से थोड़ा चेंजेस आता है, क्लियर। बट आज के लिए इतना अच्छे से करना है बेटा, और सही से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दो सम जो होमवर्क में दिए वो करना है, आंसर क्या आएगा वो भी बता दिया, मेथड तो आपको पता ही है। ओके, चलो इतना अच्छे से करिएगा, आज के लिए इतना, थैंक यू।